this lesson, learners will be introduced to their first five HTML tags, that is, inserting an image, headings, paragraph, unordered list, and ordered list. So for all that, be creative. We are going to do one activity over here. So by the help of this activity, you will get to know more about HTML starter template and will create their own recipe card. They will use the wireframe provided to help them guide their design and identify the appropriate HTML tag to use. So let's do this activity, and the name of the activity is Make a Recipe. Copy this link. This is the web development link. Abhi, my dear student or the parents of the students, मैं आपको ये बता दूँ, इधर मैं code.org के थ्रू बेसिकली ये जो मैंने प्लेटफॉर्म है वो चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली यूज़ किया है, जिससे क्योंकि आजकल मैंने देखा 6th-7th स्टैंडर्ड से ही इट इज़ कंपल्सन टू डू वेब डेवलपमेंट. सो आई एम गोइंग विद दिस प्लेटफॉर्म. ओके, सो यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट. अगर आपके पास आपका कोई भी अकाउंट नहीं है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट बटन. If you have already an account, so what you have to do, you have to go in or option and you have to continue either of them. Okay, so in my case, suppose I have Google account, so I am clicking continue with Google account, and you also log in with your student login account. Click over here. After clicking this, इट इज़ प्रोसेसिंग. एंड आप देखेंगे कि ये जो हमारा प्रीवियस क्लास में वी डिड दिस कोड, इट इज़ ओपन दिस, एंड आप देखेंगे कि दिस वॉज अवर वेब ब्राउज़र. अभी देखिए, अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल है और उनको समझ में नहीं आता है कि वॉट इज़ दिस, ये मैम ने इधर क्या किया है, सो यू हैव टू गो लाइक, या तो आप मेरी जावास्क्रिप्ट सीरीज़ देख सकते हैं. सो बेसिकली मैं वहाँ पे क्या कर रही हूँ, प्रॉपर एडिटर यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे आप दे सकते हो. बट ये बेसिकली ये किड्स फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, तो मुझे इस तरीके से शो करना है जिससे बच्चे फाइल को सेव करने में उनसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो उनको, और वो अच्छे से डील कर पाए. हियर यू कैन सी दिस इज़ माई हेडिंग टैग. ओके, दिस इज़ माई हेडिंग टैग. हेडिंग टैग दैट इज H1 टू H6 तक हम ले सकते हैं. बेसिकली आपके फॉन्ट साइज को बढ़ाता जाता है, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ CSS, सो आपको हमेशा याद रखना है इट इज़ अ हेडिंग टैग. ओके, नाउ मूव ऑन. What is this? What is this? This is the paragraph tag. This is the paragraph tag. Paragraph means you have to write something in paragraph. This is the image tag. बेसिकली अभी देखिए, इमेज का हमने पाथ यहाँ पे दे तो दिया है, बट हमने CSS नहीं लगाया है, इसलिए हमारा ये स्टैंडर्ड अभी आपको कलर वगैरह शो नहीं हो रहा है. जब हम लोग CSS को डील करेंगे तो आप वो देख पाएंगे. दिस इज़ द पार्ट ऑफ, अगेन द पार्ट ऑफ द हेडिंग टैग, एंड यहाँ दीज आर द अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी ऑर्डर नहीं है. What is this? See, इधर आप जो लिस्ट देख पा रहे हैं इसमें एक ordered है, so that is the ordered list. So upper one is the unordered list, and इधर ये जो है ये हमारा ordered list है. ठीक है, so let's learn how to write code in HTML. My dear student, you have to go and write this code. Again, whatever I am saying, write this code at least 5 times. इससे होगा क्या, आपके माइंड में एक कोड डायरेक्टली जाके फीड हो जाएगा. अभी देखिए, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि इसको लर्न कैसे करना है. तो आप सिंपली अपना जो पैटी अर्कल होता है, या जो उस तरीके से आप लर्न कर सकते, लाइक ग्रेट ग्रैंड फादर, देन फादर, देन क्लोज विद फादर, देन क्लोज विद किड्स, एंड क्लोज विद ग्रैंड फादर. इसको आपको, माई डियर स्टूडेंट, आपको जाना है और 5 times इस कोड को लिखना है. आफ्टर दैट उसको आपको इस ट्रिक से रिलेट करना है. अभी आप देखेंगे कि हम लोग, हमारे जो HTML वाला पेज है वो इस पर हमारा ओपन हो गया है, एंड द नेम ऑफ द पेज इज index.html. अगेन, अगर आप नॉर्मल एडिटर यूज़ करते हैं तो आप अपने एडिटर के मैं भी इसी नाम से अपनी फाइल को सेव करेंगे. अभी आप देखेंगे, देखिए डॉक टाइप HTML, दैट इज़ ग्रेट ग्रैंड फादर, दिस इज़ द ग्रैंड फादर. आप नीचे देखेंगे क्लोज विद ग्रैंड फादर. ओके, इट इज़ अंडरस्टूड. Now this is the father, so close with father, and father को हमारी कुछ responsibility दी गई है, that is the
CSS पार्ट जो हमारा जो भी वो है कि ठीक है आप लोग अपनी मस्ती करिए, बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो मुझे आपसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक फ़ाइल में रखा रहूँगा और वहाँ से मैं आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करता रहूँगा। सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ CSS। देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा फनी है बट आपको इस तरीके से लर्न करना है। बॉडी दिस इज़ द पार्ट ऑफ किड। ओके, बॉडी दिस इज़ द पार्ट ऑफ किड। बेसिकली अब किड यहाँ पे जंपिंग, वॉकिंग, मस्ती, वट एवर दे वॉन्ट दे वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस कोड को कैटेगराइज कर दिया है। आई नो जो वर्किंग प्रोफेशनल अगर हमारी ये सीरीज़ को देखेंगे तो वो सोचेंगे कि मैम एक किस तरीके से किस लेवल का बता रही हैं जो मैम का स्टैंडर्ड नहीं है। बट आई हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग, सो यू हैव टू डू द सेम। सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। सॉरी, पेज किस चीज़ से बना हुआ है, कैसे हुआ है। सो यू हैव टू गो द इंस्पेक्ट बटन जैसे मैंने पहले किया हुआ है, एंड यू विल सी द कोड बिहाइंड दिस पेज। ओके, सो नाउ मूव ऑन। अभी वी हैव टू लर्न what is the heading tag. Okay, so heading tag I already told you it start with H1 and H6 तक जाके ख़त्म होता है। सो यू हैव टू डू लाइक H1 ओपनिंग H1 एंड क्लोज विद H1 एंड सी वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू कीप द पिक्चर इन योर माइंड। जो मैंने जिस तरीके से आपसे शेयर किया था कि हम उस तरीके की जो मेक अ रेसिपी वाली एक्टिविटी है वो बनाने जा रहे हैं, तो इधर मैंने लिखा एप्पल स्मूदी। तो आप जैसे देखेंगे इसीलिए किड्स फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैंने इधर जैसे ही एप्पल स्मूदी डाला और आपका हेडिंग टैग लेके वो आपका वेब ब्राउज़र पे अपडेट हो गया है। अगर यही चीज़ अगर हम लोग नॉर्मल एडिटर लेके और फाइल को यहाँ वहाँ सेव करके और वेब ब्राउज़र पे जाके अपडेट कराते तो शायद वो किड्स के लिए फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि अगेन आपको एक्सटेंशन भी चाहिए होता है, फिर आपको एक एडिटर भी चाहिए होता है और बच्चे थोड़ी बहुत बेसिकली गलतियाँ कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। अगेन हियर वी यूज द PP इज फॉर पैराग्राफ टैग एंड वी हैव टू राइट समथिंग इनसाइड द पैराग्राफ टैग। सो वी रोट ओवर हियर सम लाइंस। ओके, नाउ done, now we have to find out the image. So what we are going to do here, you have to search the Google, basically you have to search on your Google engine like apple smoothie images or free images. Okay, because you want one image path over here. So how you will find, this is the only options you have to find द पाथ ऑफ द पिक्चर। अदरवाइज अगर आपके पास पहले से डाउनलोड है पिक्चर तो आप वहाँ से भी पाथ ले सकते हो। सी दिस इज़ द इमेज, सपोज आई एम लाइकिंग दिस इमेज, सो यू हैव टू गो एंड हियर वी कैन चूज अनदर इमेज एज वेल। ओके, सो यू हैव टू डू सेव इमेज एज। Which means I can choose not this one. Suppose this one. Okay, so you have to use save image as, maybe this one. सो यू डिड सेव इमेजेस। ठीक है, अब ये हमारी इमेज जहाँ पे हमारा जिस फोल्डर में सेव है वो आपको याद रखना है। मेरी इमेज यहाँ जाके मैंने सेव की हुई है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें इमेज का पाथ चाहिए। तो अब इमेज के लिए टैग्स क्या होते हैं, वॉट आर द टैग्स फॉर इमेज। सो यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ HTML दैट इज इमेज ओपनिंग और क्लोज। नो, यू हैव टू राइट, this is not also good, you have to do something different. किसी को पता है क्या? No? I will let you know. Okay? How you have to write the image tag in the HTML format. So we are going to do over here image
this you have to delete first. Okay, then what you have to do? Image src equal to double inverted comma, and inside this you have to give the image path. Okay, and कौन सी इमेज का पाथ देना है? जो आप मतलब बेसिकली जो आप चाहते हो वही इमेज का आपको पाथ देना है. तो जहां आपने अपनी इमेज डाउनलोड की है उसके आप नीचे जाएंगे प्रॉपर्टी सेक्शन में, ठीक है. फिर आप ये सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको केवल पाथ चाहिए. इधर से आपने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ही आपको वहां जाके जो आपका इमेज वाला फोल्डर, बेसिकली जो आपका code.org वाला फोल्डर है, वो वहां जाके अपनी इमेज के पाथ को आपको पेस्ट कर देना है. पेस्ट दैट इज कंट्रोल वी एंड कॉपी दैट इज कंट्रोल सी. अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी ये इमेज आ गई है, ठीक है. यू कैन सी ओवर हियर दिस इज द इमेज, ओके. बट वी कांट सी द कलर्स एंड लाइक बेसिकली प्रॉपर्टीज, CSS प्रॉपर्टीज वी कांट सी इट बिकॉज ऑफ वी आर डीलिंग ओनली और ओनली विद HTML. बेसिकली हम यहाँ पे कंटेंट रेडी कर रहे हैं, अभी हमने CSS का पार्ट बिल्कुल भी यूज नहीं किया है. नाउ सो अब हमारा जो फोर्थ स्टेप था, आई थिंक अगेन हेडिंग टैग था, जिसको हम लोग H2 लेके चलेंगे, क्योंकि व्हाट वी यूज ओवर हियर H1 टैग. सो फॉन्ट साइज लिटिल बिट लाइक बिगर था, क्योंकि ये मेन हमारी हेडिंग थी. सो इन द केस ऑफ H2 दैट इज हेडिंग टैग 2, तो उसमें हमारा जो फॉन्ट साइज रहेगा, यू विल सी द डिफरेंस लाइक लिटिल बिट, आपको थोड़ा सा वो छोटा लगेगा फॉन्ट साइज. सो हियर वी टाइप H2 क्लोज विद H2, हियर वी आर टाइपिंग इनग्रेडियंट्स, ओके, INGREDIENTS इनग्रेडियंट्स. सी वाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज मुझे आपको एक ओवरव्यू देना है कि किस तरीके से हम एक वेब पेज में कंटेंट डालते हैं. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू हियर, हियर वी आर गोइंग टू आई थिंक रेडी अनऑर्डर्ड लिस्ट. ओके, सो अनऑर्डर्ड लिस्ट दैट मीन्स उस लिस्ट के अंदर कोई भी हमें ऑर्डर शो नहीं होगा. सो द टैग ऑफ द अनऑर्डर्ड लिस्ट दैट इज अनऑर्डर दैट इज UL, स्टार्ट विथ UL एंड क्लोज विथ UL. इनसाइड दिस वॉट वी आर गोइंग टू डू, वी आर टाइपिंग अ लिस्ट टैग, लिस्ट दैट इज LIST, कि हमें लिस्ट तो चाहिए है, ठीक है, LI Not LIST, अब मुझे लिस्ट तो चाहिए, बट वट वी डोंट वॉन्ट, वी डोंट वॉन्ट ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है. तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने LI टैग यूज़ किया है, यू विल सी द रिजल्ट इन योर वेब ब्राउजर पेज. देखिए ये किड्स फ्रेंडली एनवायरमेंट है, तो आप देख पा रहे हैं कि कैसा हमारा राइट हैंड साइड में अपडेट होता जा रहा है. सो लाइक वी रोट ओवर हियर स्टेप 1, सो यू विल सी द रिजल्ट ऑन द राइट साइड ऑफ योर corner. Okay, so this is step 3, step 4. So here you are seeing कि मैं इधर पे unordered list हमारी एक ready हो गई है. See, this is the sample only. आपको recipe नहीं बनानी है, आप किसी और तरीके का बना सकते हैं, like what are the games rules and all, like volleyball में rules क्या होते हैं, तो उस तरीके से आप बना लेंगे, तो तब भी आपका एक अच्छा सा एक sample paper जो आपका एक web page होता है वो ready हो जाएगा. Content, little bit content ready हो जाएगा, complete web page तो ऐसे नहीं होता, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें लगती हैं. So I will let you know. Now what we are going to do again, अभी मैं HTML का ही जो हैडिंग 3 दैट इज H3 टैग यूज़ करने वाली हूँ. अगेन द हैडिंग टैग H1 टिल H6, यू विल सी द साइज डिफरेंस लिटिल बिट, आपको खुद ही समझ में आता जाएगा. H3 दैट इज मेथड्स, सो व्हाट आर द मेथड्स. सो इधर आप कुछ भी कंटेंट ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट कि जो मैं ले रही हूँ आपको वही लेना है, बट अभी के लिए मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ आपको वही करते जाना है. सो इनसाइड द हेडिंग टैग अभी आपको क्या करना है, ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए. क्या चाहिए आपको? ऑर्डर लिस्ट दैट इज OL. सो यू हैव टू टाइप ओपनिंग विथ OL, क्लोज विथ OL. इनसाइड दिस यू हैव टू मेक वन लिस्ट, लिस्ट अगेन दिस इज LI. सो द टैग विल स्टार्ट विथ LI, क्लोज विथ LI. सो यू कैन सी ओवर हियर आई एम गोइंग टू राइट
फॉलो वन, नो 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 नो, क्या आपको लगता है कि आपको ये लिस्ट देगा? आपको एक लिस्ट टैग भी डालना पड़ेगा, तभी वो आपको लिस्ट देगा, अदरवाइज वो आपको नहीं देगा। आपने बोला ऑर्डर्ड लिस्ट, बट ऑर्डर लिस्ट वेयर इज द लिस्ट टैग? सो दिस इज द लिस्ट टैग। सो ओपनिंग विथ लिस्ट टैग एंड क्लोजिंग विथ लिस्ट, अगेन आई एम यूजिंग लिस्ट, बट लिस्ट दैट इज ओवर हियर एल आई। अभी आप देखेंगे कि हमारी ये जो आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमें या जो की पॉइंट्स चाहिए था वो ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गए हैं। सो नंबर वन दैट इज़ फॉलो वन, फॉलो टू, फॉलो थ्री, फॉलो फोर, और हमें इनको नंबर्ड चाहिए है, तो हमने इस तरीके से उसको यूज़ कर दिया। देखिए मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट डील करती रहती हूँ और कॉपी पेस्ट मुझे बहुत इजी लगता है, और शायद हर एक वेब डेवलपर का या हर एक अच्छा जो प्रोग्रामर होता है उसको कॉपी पेस्ट की फिर इतनी आदत लग जाती है, बहुत ही स्मूथ हो जाता है। बट इनिशियली आपको इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि अभी आप अपने लर्निंग फेज में हैं। स्लोली स्लोली यू विल डू द सेम। नाउ सो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक हमने परफेक्ट वेब पेज का कंटेंट तैयार कर लिया है एक्सेप्ट CSS। ओके, कि हमारा इसमें CSS बेसिकली अभी हमने कंटेंट को फॉर्मेट नहीं किया, डिज़ाइन पार्ट अभी हमारा मिसिंग है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने डिज़ाइन पार्ट को डील करने वाले हैं, सो यू विल सी द डिफरेंस। अगेन ये देखिए मैं कैसे सेट कर रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ, क्योंकि ये भी हम इट विल लुक ओके गुड। तो इधर आप देखेंगे कि इस तरीके से हम लोगों ने कंटेंट रेडी कर लिया है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी मैं देखिए आपको बताती हूँ कि हम लोग कमेंट कैसे कर सकते हैं HTML। ये देखिए हमारे आज के लेक्चर का पार्ट नहीं था, बट मुझे लगा है कि आगे जाके हो सकता है मैं कमेंटिंग करूँ। तो देयर आर टू वेज, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टीपल लाइन्स कमेंट्स। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आपसे इसमें बीच बीच में कुछ, जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ इसको, सपोज़ कंपनी में कोई क्लाइंट है जो वर्क कर रहा है और वो कंपनी छोड़ के चला जाता है, और आप नए हो और उस कंपनी में जाके अगेन वो आपको काम संभालना होता है, और जिसने वो प्रोजेक्ट डील किया था और वो बंदा जा चुका है, सो व्हाट विल यू डू ओवर देयर? यू विल सी द कोड, यू विल ओपन द कोड, बट उसके पहले आपको कुछ कमेंटिंग लिखी होगी, तो उससे आपको एक ईजी हो जाता है कि ओ दिस वॉज द थिंग, ओके नाउ आई विल डील। तो अभी क्या है ना, उस बंदे को आपको कॉल करके या उसको परेशान नहीं करना है, क्योंकि वो तो कहीं और जगह प्लेस हो चुका है, और ज़रूरी नहीं है कि वो आपका कॉल पिक करेगा। तो आपको इस तरीके से अपने कोड को, यू हैव टू राइट अ कोड, अ ब्यूटिफुल कोड इन सच अ वे कि लोग उसको बेसिकली समझ पाएँ। सो हमेशा आपको अपने कोड को रीडेबल रखना है। अब आता है why डू वी नीड कमेंटिंग, तो इसीलिए हमें कमेंटिंग करना ज़रूरी होता है। कैसे करना है आई विल लेट यू नो। हियर एज यू कैन सी आई एम टाइपिंग ओवर हियर ओपनिंग टैग एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से मैंने यूज़ किया है, जो अदर पार्ट था वो हमारा हिडन हो गया है, भी आप देख रहे हो ब्लर हो गया है कुछ सा पार्ट, या उसका कलर चेंज हो गया। सो बेसिकली यहाँ पे अभी देखिए मैंने क्लोज नहीं किया है। अब आप देखेंगे कि ये अगर मैंने इस तरीके से ये जो डबल आपने क्या लगाया डैश डैश और क्लोज किया, सो दैट इज़ द कमेंटिंग वे, कमेंटिंग वे ऑफ HTML। सो अभी आपने बता दिया ओके दिस वॉज द हेडिंग टैग, आपने इनिशियली बता दिया। तो जब कभी किसी को अगर लगेगा कि एप्पल स्मूदी की जगह उसको बनाना स्मूदी करना है, तो वो सीधे से हेडिंग टैग उसको फाइंड आउट करेगा, कंट्रोल एफ करके फाइंड करेगा, और उसको फटाफट मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज़ अवर पैराग्राफ टैग। ये क्या है, ये हमारा पैराग्राफ टैग है। सपोज कभी किसी को लगता है कि हम अपनी रेसिपीज़ को, बेसिकली रेसिपी को हम चेंज कर रहे हैं, यू आर पुटिंग समथिंग एल्स एंड यू आर मेकिंग मच बेटर, तो आप उसको क्या करेंगे, आप जो वो क्लाइंट रहेगा ओके डायरेक्ट पैराग्राफ टैग कंट्रोल ऐप से फाइंड करेगा और वो जाके उसको एडिट कर देगा। ठीक है, अभी इधर क्या कह रहे हैं, दिस इज़ द इमेज टैग। आपको इसी तरीके से जो मैं लिख रही हूँ आपको लिखते हैं, सपोज दिस इज़ द H2 टैग, तो आप इसमें क्या कर रहे हैं, ओपनिंग टैग एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश टू टाइम डैश
अगेन व्हाट इज दैट, दिस इज द हेडिंग टैग टू, आपको पता है एच टू टैग है, सो यू नो एंड क्लोजिंग दिस डैश डैश एंड क्लोज टैग हियर. सी व्हाइल यू आर क्लोजिंग दिस टैग यू आर नॉट गोइंग टू यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपली डैश डैश और क्लोजिंग कर रहे हैं. सेम दिस इज द अनऑर्डर्ड लिस्ट, इधर आपने इसी तरीके से कमेंटिंग कर दी, ठीक है, और आपने शो कर दिया कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट है. अब देखिए जब कभी जो नया बंदा कोई कंपनी को ज्वाइन करता है और उसे इस तरीके से सोर्स फाइल मिलती है, तो उसको अब आपके कोड को मॉडिफाई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बट वो इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि आपने पहले से ही अपने कोड को रीडेबल रखा है, ठीक है, दैट्स व्हाई समवन इज़ डूइंग दिस थिंग. अगेन इधर मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए जैसे ही आप कमेंटिंग कर रहे हैं, बट आपका जो बेसिकली आपका जो वेब ब्राउज़र पेज है उस पर आप देख रहे हो ना कि कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस कमेंटिंग का. बेसिकली ये आपके अंदर, आप बेसिकली एक कंप्यूटर के अंदर का ही आप पार्ट कर रहे हो, बट आपके वेब ब्राउज़र पे इस तरीके से चीज़ें शो नहीं हो रही हैं, जबकि आप नॉर्मल कोडिंग जब कर रहे थे आपका हर कुछ वेब ब्राउज़र पे ही शो हो रहा था. सो दैट मीन्स कमेंट्स आर विजिबल टू एनीवन दैट व्यूज द पेज सोर्स कोड बट आर नॉट रेंडर्ड व्हेन द HTML डॉक्यूमेंट्स इज रेंडर्ड वाया ब्राउज़र. सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड. So I think it's enough for today's class. Let's have a look how computer, you know, how does computer work and इसमें जो मैंने बताया हुआ है आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही बेसिक चीज़ बताई हुई है, बट माय डियर स्टूडेंट मेरा मानना है कि आपको बेसिक से ही अगर आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रॉपर निकल के आती है, मेरा यही मानना है. दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन माय बेस्ट यू नो इन दिस सीरीज एज वेल, एंड लेटर आई एम लेटिंग यू नो लाइक हाउ आई यू नो आई क्रिएटेड अपडेट एंड basically how I can make the website in 4 to 6 minutes only, and you also can do the same thing. So मैंने आपको tricks and tips उसमें बताई हुई हैं. चलिए let's have a look also. I will let you know how I can create, update, you know, and edit the website in 4 to 6 minutes. And yes my dear student, the website जो होगी वो responsive रहेगी, और 4 to 6 minutes में ही मैंने किस तरीके से अपना काम किया हुआ है. तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड अगर आप देखते हैं, अगर आपको बेसिकली अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए है और अगर आप प्रोजेक्ट डील करना चाहते हैं, तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको देने वाली हूँ. और यहाँ मैं थोड़ा बहुत आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. सो मैंने इधर टेलविंड CSS का यूज़ किया है, किस तरीके से किया है, आपको ऑब्वियसली जाके आपको वो वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी. आप जाइए और बताइए कैसी लगी आपको ये भी मेरी सीरीज. यहाँ मैंने बताया कि कैसे हम लोग न्यूज़ को हैक कर सकते हैं. इट्स अ रियली यू नो लाइक फनी थिंग. सो व्हाट वाज अवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. सो इधर आपको ये क्लियर हो गया है. बाय कंप्लीटिंग दिस एक्टिविटी स्टूडेंट यू नो व्हाट वाज अवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव. नंबर वन, बिकमिंग मोर फैमिलियर विद एडिटिंग HTML. ओके, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने सारा कुछ HTML को एडिट किया है, CSS को टच भी नहीं किया है. नंबर टू, बी एक्सपोज टू कॉमन HTML टैग्स. ओके, एंड द फॉर्मेट ऑफ देम, लाइक हमने इधर बात की है व्हाट इज़ ओपनिंग टैग, कंटेंट, क्लोजिंग टैग, कॉमेंट्स, यू नो. नंबर थर्ड, हियर वी डिस्कस द कमेंट के कैसे कभी कोई क्लाइंट होता है अगर हमें कोई प्रोजेक्ट देता है और अगर वो कंपनी छोड़ के चला जाता है तो किस तरीके से हमें उसी सोर्स फाइल को यूज़ करना है. तो अपने कोड को इस तरीके से लिखना होता है, कमेंटिंग को इस तरीके से हम लोग करते हैं कि एनीवन कैन अंडरस्टैंड अवर कोड. सो आई थिंक इट वाज इनफ फॉर टुडेज क्लास, एंड आई एक्सप्लेन्ड यू नो वट एवर आई कैन डू, आई डिड माई बेस्ट जॉब ओवर हियर टू एक्सप्लेन ऑल दिस. सो इन द लास्ट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. See you tomorrow. Bye-bye.